हर खुली जगह में आप सांस नहीं ले सकते, उसका उदाहरण ये केव है। कोस्टारिका में मौजूद ये केव 100% कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अब आप जिन पत्थरों को देख रहे हैं उसे कहते हैं बर्निंग रॉक्स। इन रॉक्स को जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से कोलाइड किया जाता है तभी ये कुछ ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये मेनली बने होते हैं मीथेन से। इस क्लिप में आप देखेंगे शॉक वेव को, जो कि इस एक्सप्लोजन के बाद क्रिएट हुआ है। अभी आप एक मेस्मराइजिंग सा व्यू देखेंगे, जो कि एक स्नोई नाइट में पावर लाइन फेलियर की वजह से क्रिएट हुआ था। थाईलैंड में मौजूद ये एक ट्री टनल है, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि अंदर अंधेरा है, लेकिन जैसे ही पास आओ लाइट अपने आप ही नेचुरली एडजस्ट हो जाता है। क्या आप स्टॉर्मी नाइट में डार्क सी के ऊपर मौजूद इस ट्रेन राइड से जाना पसंद करेंगे? सनसेट के दौरान फ्लोरिडा के आसमान में कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। ये दरअसल स्प्लिट सनसेट है। कभी कभी क्लाउड सनलाइट को ब्लॉक करके कुछ ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी दिन और रात को एक ही साथ देखा है? हाल ही में स्पेन के आसमान में मीटियोर देखा गया और इस लड़के ने अनएक्सपेक्टेडली इस क्लिप को कैप्चर किया। तो वही रिसेंटली जापान के रात के आसमान में 9 सफेद लाइट पिलर्स देखा गया।